हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लासेस टीसीएम। आज यहाँ आपको पार्ट 18 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। आप देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन, ये वाला। इन एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 11, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक में जो फंक्शन गिवन होगा उसका डिफरेंशिएट करना है। तो लेट कर ले रहे हैं y इक्वल टू दिस फंक्शन और डिवाइड बाय dx हमें फाइंड करना है। तो एक छोटी सी अलग से जानकारी आपको दे दें, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट dy dx ऑफ y। दूसरी बात, मान लीजिए ये p का डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट, तो dy dx ऑफ ये t होगा। इतना ध्यान रखें, t रेस्ट टू द पावर n का अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, n x के रिस्पेक्ट, ध्यान रखें dy dx ऑफ ये t रेस्ट टू द पावर n, तो n t रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy dx ऑफ ये t। क्लियर कर लीजिए इसको, t रेस्ट टू द पावर n का डिफरेंशिएट करना हो तो dy dx ऑफ t रेस्ट टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n t रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू, चूंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy dx ऑफ जो t मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां पर y इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेस्ट टू द पावर n, तो ऐसे में हमें ब्रैकेट के अंदर इसको t माने तो t रेस्ट टू द पावर 9 हो जाएगा। तो t रेस्ट टू द पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 t रेस्ट टू द पावर 9 माइनस 1 dy dx ऑफ t। तो वही चीज यहां पर देखें, dy by dx इक्वल टू 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू dy dx ऑफ जो t माने थे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, तो इक्वल टू मिला हमें 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू x स्क्वायर का 2x होगा तो 3 इंटू 2 6x होगा, माइनस x का 1 होगा 9 इंटू 1 ये 9 होगा, 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अगर हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा 9 3 27, और ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेट टू द पावर 8 इंटू 3 कॉमन हो चुका है तो ये मिल जाएगा 2x माइनस 3, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स प्लस कॉस रेट टू द पावर 6x, इससे हमें डिवाइड बाई dx फाइंड करना है। तो जैसा कि अभी आपको हम बताए थे t रेस्ट टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा n t रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू d बाय dx ऑफ t। तो इसको देखिए क्या हम कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, तो साइन x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस इसको क्या लिखोगे, cos x रेस्ट टू द पावर 6। तो यहां पर मिल गया
टी रेस्ट टू द पावर 3 और टी रेस्ट टू द पावर 6। तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टी रेस्ट टू द पावर 3 का होगा 3 टी मतलब कि साइन एक्स रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 2 डी बाई डी एक्स ऑफ जो टी है ये वाला साइन एक्स प्लस। अब देखिए टी रेस्ट टू द पावर 6 तो 6 टी मतलब कॉस एक्स रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 1 5 होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी टी मतलब क्या होगा ये कॉस एक्स तो इक्वल टू मिल गया डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है प्लस 6 कॉस रेस्ट टू द पावर 5 एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन को इधर लेंगे तो हमें मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 6 कॉस रेस्ट टू द पावर 5 एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस प्रकार से अब हम चाहें तो इसमें 3 को कॉमन करते हुए और साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है यहां पर कॉस एक्स भी कॉमन आ रहा है यहां पर अब देखिए क्या होता है साइन एक्स माइनस 3 कॉमन हो चुका है तो 2 कॉस कॉमन हो चुका है तो कॉस रेस्ट टू द पावर 4 एक्स। तो यही आपका आंसर है वीडियो पॉज करके नोट कर लिए हम यहां आंसर लिख दे रहे हैं आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वाई इक्वल टू 5x रेस्ट टू द पावर 3 कॉस 2x। तो यहां पर क्या है फंक्शन के पावर फंक्शन है जब y फंक्शन के पावर फंक्शन हो तब ऐसे में log y इक्वल टू gx log fx हो जाता है पहले को u मानेंगे दूसरे को v मानेंगे तो अब इसके बाद में u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा u डैश v प्लस u इंटू v डैश। इन सब बातों का जरा ध्यान रखना है ऐसे में log y इक्वल टू जो पावर है आगे आ जाएगा 3 cos 2x इंटू log 5x। अब ऐसे में यहां पर पहले को u मान लेते हैं और दूसरे को हम v मान लेते हैं 3 यहां पर कॉमन है कॉन्स्टेंट है तो ऐसे में इसका डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये चीज लिखा हुआ है उसी का इस्तेमाल करेंगे u डैश v तो 3 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटू log 5x प्लस u इंटू v डैश 3 cos 2x इंटू log 5x का डिफ्रेंशिएशन नीचे से y को इधर पहुंचा दीजिए तो हमें मिलेगा 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू y लिख करके और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अब यहां पर देखिए 3 cos ये t हो गई तो इसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें तो हमें मिलेगा 3 cos t का माइनस sin t sin 2x और 2x का 2 हो जाएगा तो इंटू 2 और कर दीजिए इंटू log 5x प्लस 3 cos 2x इंटू अब यहां पर log t हो गए log t का क्या होता है 1 बाई t मतलब 5x और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरलाइन तो 5x का 5 हो जाएगा
यहां पर 5 से 5 को कैंसिल आउट कर दिए, तो आप नीचे से y को इधर भी पहुंचा। अच्छा एक और बात, नीचे से y को इधर पहुंचा चुके हैं, तो अब मिलेगा dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू है 5x रेस टू द पावर 3 cos 2x, ठीक। और इसके बाद में कैपिटल ब्रैकेट में ये 3 2 6, अच्छा बाद वाला पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख दीजिए। इसको पहले क्या लिखोगे, 3 cos 2x अपॉन क्या है x, ये वाला पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाला बाद में। तो 3 2 6 sin 2x, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां पर जरा देख लीजिए, ये इसको चूंकि लिख रहे हैं इंटू log 5x, ये वीडियो पॉज करके अब नोट कर लें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x, ऐसे में यहां पर x के जगह पर ये फंक्शन कोई और गिवन है x नाम करके, तो ऐसे में यहां पर t मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स t, और ऐसे में यहां पर t इक्वल टू है x अंडर रूट x, x के पावर 1 और इनटू में पावर ऐड हो जाता है 1/2, और 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपका पावर में 3/2, ये बाय 2 सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर dy by dt इक्वल टू क्या होगा, sin इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर एंड t के लिए ये d by dx ऑफ t क्या होगा, d by dx ऑफ x रेड टू पावर 3/2 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 3/2 x रेड टू पावर 3/2 माइनस 1 1/2, और 1/2 को अंडर रूट कह देंगे। इस आधार पर dy by dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा dy by dt इंटू dt by dx, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, dy by dt की वैल्यू क्या है इसको रख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर इंटू dt by dx, ये वाला dt by dx की वैल्यू इसमें रख दीजिए 3/2 x अंडर रूट में मिल गया। अब यहां पर एक बात बताओ, t की वैल्यू है x अंडर रूट x, मीन्स x रेड पावर 3/2, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा x रेड टू पावर 3, तो ऐसे में dy by dx हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, मीन्स x क्यूब इंटू 3/2 अंडर रूट x, यही आपका आंसर है। देख लीजिए यहां पर अंडर रूट और अंडर रूट को एक साथ कर लोगे, 3/2 को पहले लिख लो, तो हमें मिलेगा 3/2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x क्यूब, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू cos इनवर्स x by 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, ऐसे में इसको u अपॉन v लेट करके dy by dx हमें फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए v स्क्वायर u डैश इंटू v माइनस u इंटू v डैश, यह फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए dy by dx देखते हैं क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू सबसे पहले नीचे v स्क्वायर कर लीजिए,
अंडर रूट 2x प्लस 7 होल स्क्वायर u डैश मींस ये u है तो cos इनवर्स x बाई 2 का डैश इंटू अंडर रूट में मिला वो 2x प्लस 7 ये लिख देते हैं 2x प्लस 7 माइनस u इंटू v डैश u मतलब cos इनवर्स x by 2 into v dash मतलब कि अंडर रूट 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से हमें मिला dy by dx इक्वल टू नीचे स्क्वायर से अंडर रूट हटा दीजिए तो मिल जाएगा 2x प्लस 7 क्यों ऐसा हुआ क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया अब इसका डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स ये हो जाएगा टी तो कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ जो टी माने थे एक्स बाई 2 इंटू ये वाला वैल्यू वी जो दिखाई दे रहा 2x प्लस 7 माइनस ये वाला कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इंटू एक बात याद करें कि अंडर रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 अंडर रूट होता है जैसे अंडर रूट एक्स का 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा तो अंडर रूट का क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 जो टी माने हो ये वाला जो टी माने हो उसका भी डी वाई डी एक्स कर दीजिए टी मतलब क्या हुआ 2x प्लस 7 अब देखिए क्या मिलता है इक्वल टू हाँ तो अलग अलग करके देखने तो ज्यादा ठीक लग रहा है अलग अलग करके माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर जरा इसको जरा देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 4 होगा 4 को ऊपर 2 पहुंचा दीजिए ठीक है इंटू एक्स बाई 2 एक्स का 1 होता है 1 बाई 2 हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा और अंडर रूट क्या मिल रहा है 2x प्लस 7 अपॉन ये 2x प्लस 7 मिल गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 इंटू क्या मिल गया 1 बाई 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 और यहां पर जरा देख लो 2x का 1 हो जाएगा प्लस 7 का 0 यानी कि 2 हो जाएगा तो इंटू में यहां पर 2 हो गया और इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो अब हमें मिलेगा यहां पर देखें ये इतना अपॉन ये तो हो गया ठीक है अब इसके बाद में ये ही बीच में ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिए इसके लिए की बात करें इतना अपॉन फिर से ही आएगा तो ये अपॉन में भी आएगा ये 2x प्लस 7 ये ध्यान के ये वाला भी और उधर नीचे आएगा और इसमें भी नीचे आ गया ठीक है अब इसमें इसको कैंसिल आउट कर लीजिए और दूसरी बात निगेटिव दोनों में आ रहा है तो निगेटिव कॉमन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट
फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया क्योंकि माइनस दोनों में से हमने कॉमन कर लिया। अच्छा ये चीज भी आ रहा है यहां पर देखिए इनटू अंडर रूट में ये कैंसिल आउट करने पर ये 2x प्लस 7 मिल जाएगा और प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस इसमें से कॉमन कर चुके हैं। और इस जगह पर देखें अंडर रूट और ये पावर 1 बाई 2 होता है पावर 1 होता है तो 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 होता है। तो ऐसे में cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन 2x प्लस 7 रेस्ट टू पावर 3 बाई 2 और कैपिटल ब्रैकेट क्लोज करके यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू cos इनवर्स गिवन फंक्शन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमें dy / dx फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन मार्क। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं जरा वो देख लीजिए सॉल्यूशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं। एक चीज देखिए 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं पहली बात। और दूसरी बात साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2 एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसका इस्तेमाल हम करेंगे 1 इक्वल टू क्या मिला देखिए वहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो इसका फॉर्मूला हमें मिल गया 1 प्लस साइन एक्स के लिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या कहा हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा cos x by 2 plus sin x by 2 whole square। दूसरी बात स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल गया 1 plus sin x का अंडर रूट इक्वल टू cos x by 2 plus sin x by 2। इस फॉर्मूले में क्या करना है यूजिंग x टेंस टू माइनस x तो मिल जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन x मिल गया ये x यहां पर माइनस x यहां रखने पर ये फॉर्मूला आ गया। क्या कहा हमने इसको जरा दोबारा समझ लीजिए cos माइनस थीटा इक्वल टू ये cos थीटा ही होता है और sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एक्स यहां पर माइनस एक्स करोगे तो ये मिला और cos यहां पर माइनस एक्स करोगे तो पॉजिटिव में बना रहेगा cos x बाई 2 माइनस क्योंकि यहां पर sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन x बाई 2। ऐसे में ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू ये एक बात और ये cot इनवर्स है ये क्या चीज है यहां पर cot इनवर्स तो y इक्वल टू है cot
इन वर्स 2 + sin x / 2 + ये देखिए बीच में प्लस आ गया, आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर इसके वैल्यू रख दीजिए cos x / 2 - sin x / 2। और नीचे जरा देख लीजिए, नीचे क्या मिल गया हमें, ये नीचे ये वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव बीच में रख दीजिए cos x / 2 + sin x / 2। बीच में निगेटिव है, ध्यान दें यहां पर बीच में निगेटिव है, तो इस साइन को जब आप चेंज करेंगे तो माइनस cos x / 2 और माइनस प्लस sin x / 2 मिल जाएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin x / 2 से sin x / 2 कैंसिल होगा और नीचे cos x / 2 से cos x / 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमें मिल गया y = cot inverse। हाँ देखिए cos x / 2 + cos x / 2 2 cos x / 2 और नीचे sin x / 2 + sin x / 2 2 sin x / 2। तो अब हमें क्या मिला, (2) से यहां पर 2 ये कैंसिल हो गया, cot inverse cos / sin ये cot x / 2 मिल गया। ये चीज समझ लीजिए, cot inverse cot कैंसिल हो गया, (x/2) मिल गया। ऐसे में y का डिफरेंशिएशन, इस y का डिफरेंशिएशन dy/dx = क्या होगा, (dy/dx और x/2, x का चूंकि 1 होता है तो 1/2 आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यह एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए (7) y = log x whole power log x। तो यहां पर यह फंक्शन y = फंक्शन के पावर फंक्शन है, पहली बात इतना समझे। तो ऐसे में log y लेकर के इस फॉर्मूला को अटेंड करते हैं, दूसरी बात ऐसा क्यों करते हैं, डायरेक्ट y से dy/dx फाइंड क्यों नहीं करते हैं का जवाब सुनिए। log के आगे ब्रैकेट हो तब log m रेस्ट पावर n (n)log m होता है, लेकिन log x या log m होल पावर n (n)log m लेते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इतनी तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम से आप करोगे क्वेश्चन को तो ये गलत हो जाएगा। चलिए log ले लीजिए, तो हमें मिला log y = log x whole power log x। अब log के आगे ब्रैकेट है तो ये log x इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा log x (log x). इतना समझे, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, (= क्या होगा, u (v). अब जब कोई u(v) फंक्शन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव इस प्रोसेस से फाइंड होता है। अब एक काम कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव 1/y dy/dx = log x का डेरिवेटिव
इनटू लॉग लॉग एक्स प्लस ये वाला लॉग एक्स इनटू लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स इसका होल डेरिवेटिव। इस वाई को कैपिटल ब्रैकेट लगा करके सिस्टम को बना दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, यह चीज देख देख के बताइए। इस वाई को आगे बढ़ा दीजिए तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब ये देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है इनटू लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इनटू। अब ये चीज समझे, यहां पर लॉग टी का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टी, मतलब वन अपॉन लॉग एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ जो आप टी माने हो लॉग एक्स। वाई की वैल्यू ऊपर से उठा करके रख दीजिए तो मिलेगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर लॉग एक्स कैपिटल ब्रैकेट वन अपॉन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स प्लस ये लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो रहा है, ये देखिए वन अपॉन एक्स मिल गया। इतना माइंड कीजिए, देखिए किस तरह सामने सॉल्व कर लिया। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लिए क्योंकि यही आपका आंसर है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9, वाई इक्वल टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसमें इसको हम टी मानते हैं तो कॉस टी हो जाता है, तब इसका डेरिवेटिव होगा डायरेक्ट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टी का होता है माइनस साइन टी इंटू डिवाइड एक्स ऑफ जो आप टी माने हो उसको लिख लो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू। अब यहां पर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दीजिए डेरिवेटिव, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसको इधर ले आइए तो मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसको अंदर अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स ब्रैकेट साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई कर दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, तब आपको अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे कि जब फंक्शन के पावर फंक्शन हो तब उसका डिवाइड डीएक्स फाइंड करने के लिए लॉग
लेना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा log y इक्वल टू, जब यहां पर log लेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा आगे, तो मिलेगा sin x माइनस cos x इंटू log के लिए थे, तो लिख लीजिए log sin x माइनस cos x, ये चीज मिल गया। इसमें ये u हो गया और ये चीज v हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया u इंटू v, तो ऐसे में इसका डेरिवेटिव u डैश v प्लस u इंटू v डैश होता है। इस आधार पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव वन अपॉन y dy y dx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव का आपका हो जाएगा डेरिवेटिव। तो अब नीचे से y को इधर पहुंचा दीजिए, तब मिलेगा dy by dx इक्वल टू y कैपिटल ब्रैकेट है, अब इसका डेरिवेटिव इधर लिख दीजिए, तो sin x का होता है cos x माइनस cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस होगा sin x इंटू log sin x माइनस cos x प्लस sin x माइनस इंटू, अब देखिए log t का डेरिवेटिव वन अपॉन t, तो वन अपॉन t का मतलब वन अपॉन t, ये चीज देखिए sin x माइनस cos x इंटू जो sin x माइनस cos x है उसका भी डेरिवेटिव, तो sin x का cos x होगा माइनस cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x, अब sin x माइनस cos x से इस sin x माइनस cos x को कैंसिल आउट कर दें, अब y का वैल्यू ऊपर से उठा करके रख दीजिए, तब हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू y का वैल्यू sin x माइनस cos x होल पावर sin x माइनस cos x और इंटू कैपिटल ब्रैकेट, ये cos x प्लस sin x, और यहां पर भी देखिए cos x प्लस sin x दोनों में कॉमन आ रहा है, cos x प्लस sin x और ये cos x प्लस sin x को कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करने पर क्या मिल रहा है वो भी देख लीजिए cos x प्लस sin x। अब कैपिटल ब्रैकेट में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नोट करें, तब ये वाला पोर्शन क्या है log sin x माइनस cos x और प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कॉमन कर चुके हैं, वन बच गया, यही आपका आंसर है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर x प्लस x रेस्ट टू द पावर a प्लस a रेस्ट टू द पावर x प्लस a रेस्ट टू द पावर a, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इसको हम u लेट कर ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया y इक्वल टू u प्लस x रेस्ट टू द पावर a a रेस्ट टू द पावर x और प्लस a रेस्ट टू द पावर a, तो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ u प्लस dy dx ऑफ x रेस्ट टू द पावर a प्लस dy dx ऑफ a रेस्ट टू द पावर x प्लस dy dx ऑफ a रेस्ट टू द पावर a, ये पूरा पूरा क्या है ये कॉन्स्टेंट है।
तब इसका ये dy by dx हमें मिल गया du by dx प्लस x रेस्ट टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो वही मिल जाएगा a इंटू x रेस्ट टू द पावर a माइनस 1। और इस ये तो हो गया इसके लिए, इसका डेरिवेटिव इसमें लिख दे यहां पर क्या होगा, a रेस्ट टू द पावर x इंटू लॉग a बेसिक, ये पूरा पूरा फॉर्मूला है। और कांस्टेंट का होता है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा जीरो। अब एक छोटी सी बात अलग से देख लीजिए, हमने u लेट किया है x रेस्ट टू द पावर x log u इक्वल टू x इंटू log x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू मिलेगा x का 1 इंटू log x और प्लस x इंटू log x का 1 अपॉन x। ये चीज x से x कैंसिल आउट कर दें, इस प्रकार से हमें मिला du by dx इक्वल टू u ब्रैकेट में log x प्लस 1 इक्वल टू u की वैल्यू रख दीजिएगा x रेस्ट टू द पावर x 1 प्लस log x। तो यही वैल्यू यहां पर पुट अप कर दें तो हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस ये वाला पोर्शन a इंटू x रेस्ट टू द पावर a माइनस 1 प्लस ये वाला पोर्शन a रेस्ट टू द पावर x इंटू log a बेसिक। यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जिसमें y इक्वल टू फंक्शन के पावर फंक्शन है प्लस करके यहां पर भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, डिवाइड करिए एक्सपांड करना है। तो जब y इक्वल टू फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो ऐसे में डिवाइड करिए एक्सपांड करने के लिए log लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, log लेना पड़ता है, ये log y इक्वल टू मिल जाएगा ये gx इंटू log fx। अब इसमें पहले को u मानेंगे दूसरे को v, इस पर आधार पर u इंटू वी का डैश इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू इंटू वी डैश, इस आधार पर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले मानेंगे y इक्वल टू पहले को इसको u मानेंगे प्लस इस दूसरे वाले को हम v मानेंगे। अब इसमें log नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम डायरेक्ट log ले लें, log y अटेंड करने की कोशिश करें तो log u प्लस v तो हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा log u प्लस log v। इस आधार पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना आसान नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करके डिवाइड x निकालेंगे। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन अटेंड करने के लिए u इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। इसके लिए log u इक्वल टू मिल जाएगा, ये जो पावर है आगे आ जाएगा तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x, जिसमें कि पहले को u दूसरे को भी, यानी कि ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का आधार बनाएंगे। तो log u का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट 1 अपॉन u इंटू du by dx इक्वल टू पहले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 3 का 0 इंटू log x प्लस फर्स्ट जो भी है x स्क्वायर माइनस 3
इनटू दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन x हो जाता है। इस u को इधर ले आइए तो हमें मिलेगा du बाई ds इक्वल टू u, और एडिटिव इसको नोट कर लेना है और u की वैल्यू ऊपर से रख दिए, x रेस्ट टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये वैल्यू क्या है 2x इंटू log x प्लस अपॉन ये नीचे x आ गया ऊपर है x स्क्वायर माइनस 3। ये चीज हमें du बाई dx निकल गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, v इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको x माइनस 3 होल पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ले लीजिए लॉग v इक्वल टू मिल जाएगा जो पावर है आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। इसमें फिर से ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, तो इस लॉग v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई dx इक्वल टू मिल गया x स्क्वायर का 2x इंटू लॉग x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, इस आधार पर इधर से यहां पर पहुंचा करके dv बाई dx निकाल दीजिए, इक्वल टू मिला v करके एडिटिव इक्वल टू v की वैल्यू यहां पर उठाकर रखने जा रहे हो इस जगह पर, तो v की वैल्यू है क्या x माइनस 3 होल पावर x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या है ये चीज देखिए कैपिटल ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं 2x इंटू log x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, एक चीज देखिए यहां पर स्टार बना दे रहे du by dx मिल गया आपको, यहां पर स्टार बना दे रहे dv by dx मिल गया आपको, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, y आपको पता है u प्लस v, इस आधार पर dy बाई dx इक्वल टू मिलेगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हमें इसी में इस वैल्यू को पुट अप कर लेना चाहिए, तो एक काम करते हैं हम इसको मिटा करके और इस वैल्यू को अप्लाई कर देंगे, एक मिनट, तो जगह की कमी की वजह से इधर के पोर्शन को मिटा करके हमने सिस्टम को आगे बढ़ा दिया। y इक्वल टू यू प्लस वी है तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू डी यू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स, वही चीज यहां पर हमने लिख लिया y इक्वल टू यू प्लस वी तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू डी यू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स। तो एक बात बताइए डी यू बाई डीएक्स की वैल्यू ये आपको दिखाई दे रहा है और डीवी बाई डीएक्स की वैल्यू आपको ये चीज दिखाई दे रहा है, बस हमने क्या किया कि इस प्लस के द्वारा इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, y इक्वल टू 12 1 माइनस cos t एंड x इक्वल टू 10 t माइनस sin t डिवाइड बाय dx हमें फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ t और यहां पर भी x इज आल्सो अदर फंक्शन ऑफ t, तो ऐसे में हम dy बाई dt इक्वल टू ये फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ये 12 और 1 का 0 होगा और cos t का माइनस sin t तो माइनस में प्लस में sin t हो गया, और इसके बाद में इसको देखें
एक्स इज ए अदर फंक्शन ऑफ टी, तो डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू टेन टी का डेरिवेटिव वन होता है माइनस साइन टी का कॉस ये टी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, ये वैल्यू इधर है 10 वन माइनस ये कॉस टी आ गया ये वैल्यू। इस आधार पर हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए तो 12 इंटू साइन, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं देखिए जरा 12 इंटू साइन 2 टी बाई टू और यहां पर 10 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 टी बाई टू इस तरह से लिख करके हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू नीचे 10 इंटू टू ये देखिए एक बात कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब हम इसमें थीटा इक्वल टू टी बाई टू अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा 2 इंटू ये वाला वैल्यू मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी बाई टू ये मिल गया। अब हम जो कैंसिल होने वाला होगा कैंसिल कर देंगे, देखिए तो यहां पर भी जरा चेक कर लीजिए, यहां 12 का 6 कर दीजिए 2 से डिवाइड करके, यहां पर 5 कर लीजिए तो अब हमें मिल गया 6/5 इंटू ऊपर कॉस टी बाई टू नीचे साइन टी बाई टू और कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो इस आधार पर हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6/5 टेन कॉट टी बाई टू, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, यही रिजल्ट देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसे में डिवाइड dx हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया है तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए वो देखिए, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा इंप्लाई दैट x इक्वल टू साइन थीटा, तो ऐसे में हमें y क्या मिल गया साइन इनवर्स x को हम थीटा माने हैं प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिला थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है का अंडर रूट, ये हो गया आपका कॉस थीटा। आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई कर दीजिए तो अभी हमें मिल रहा है वाई इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां पर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा और यहां से थीटा कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू
पाई बाई टू मिल गया। ऐसे में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स और ये वाला वैल्यू पाई बाई टू, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट में जीरो होता है आंसर। इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे में हमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं इस पोर्शन को इक्वल टू के उस पार पहुंचा दीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, तो हमें मिलेगा एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, अंदर इंटू कर दीजिए तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जा रहा हूं बराबर के उधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये वाला लिख दीजिए वाई स्क्वायर एक्स। तो अब इसका फैक्टर मिल गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में एक्स वाई भी कॉमन, माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस एक्स वाई कॉमन कर लें तो मिल जाएगा एक्स माइनस वाई। ऐसे में हम एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को कैंसिल आउट कर देंगे और इस प्रकार से हमें मिला एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और इसको आगे बढ़ा दीजिए तो मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई कॉमन कर लें तो वन प्लस एक्स। तो इस आधार पर हमें मिल गया क्या, इस y की बात करें हम, इस y की बात करें तो y इक्वल टू मिल जाएगा, अभी फिर से दोबारा वही लिख लीजिए, x इक्वल टू क्या मिला माइनस वाई और वन प्लस एक्स। तो ऐसे में वाई इक्वल टू मिल गया माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, नीचे को देखकर के ऊपर को एडजस्ट कर लिया तो वाई इक्वल टू मिला हमें माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब एक काम करें, इतना को इससे डिवाइड करिए और इसको भी इसी से डिवाइड करिए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू माइनस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स मिला, आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा y इक्वल टू माइनस वन प्लस वन प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस वन। अब इसको t मार्क करके डेरिवेटिव को आगे बढ़ाइए, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया इसका कॉन्स्टेंट है जीरो प्लस, इसको आगे लाओगे यानी कि इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं x रेस्ट पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेस्ट पावर n माइनस वन, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है तो क्या होगा, ये माइनस कर लीजिए, ये इसको इधर ला करके माइनस वन प्लस एक्स रेस्ट पावर माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स और वन प्लस एक्स। अब आगे बढ़ा करके देखिए क्या मिला हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसको माइनस टू को नीचे लाइए वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और इंटू में वन का जीरो एक्स का वन होता है इंटू वन कर दीजिए तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस्ट पावर टू, यही आपका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
इज आंसर